अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो भी रिकमेंड करे। लोगों की भारी डिमांड और बेहतरीन रिस्पॉन्स को देखते हुए हैप्पी शॉप ने एक बार फिर लॉन्च किया है फ्री पेट्रोल ऑफर, जहाँ आपको 500 रुपए से ज्यादा की हर शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। ये ऑफर 1 अक्टूबर से शुरू होगा। वहीं हैप्पी शॉप्स इंपोर्टेड चॉकलेट्स, इंपोर्टेड ड्रिंक्स और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई स्वच्छता मुहिम। पीएम मोदी का कहना था कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती से पहले भारत को स्वच्छ बनाना है। उन्होंने भारत के नागरिकों से अपील की थी कि 2 अक्टूबर से पहले सिर्फ 1 घंटा निकालकर अपने घर के बाहर गलियों को साफ करें। इसी क्रम में भिवंडी के एमपी पंचायत राज मंत्री श्री कपिल पाटिल, महापालिका आयुक्त अजय वैद्य के साथ महानगर पालिका के सभी आला अधिकारी कर्मचारियों ने भिवंडी की सड़कों पर उतरकर रास्ते और गलियों की सफाई की। भिवंडी महापालिका कर्मचारियों के लिए लगाया गया हेल्थ कैंप। भिवंडी पालिका प्रशासक एवं आयुक्त अजय वैद्य के मार्गदर्शन में महापालिका कर्मचारियों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर को पालिका आयुक्त के हाथों की गई। ये हेल्थ कैंप नदी नाका स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया था। इस कैंप में ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर, ECG, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस से लेकर 2D इको जैसे अलग अलग टेस्ट किए गए। साथ ही मनपा उपायुक्त दीपक झिंझार ने सभी लोगों को अंग दान की शपथ भी दिलाई। भिवंडी महापालिका के शहर अभियंता और उप अभियंता का हुआ रिटायरमेंट। भिवंडी महानगर पालिका में प्रतिनियुक्ति पर आए शहर अभियंता सुनील घुके वो पालिका के सेवा में कार्यरत उप अभियंता संदीप सोमानी का शुक्रवार को रिटायरमेंट हो गया। महापालिका मुख्यालय के सभागृह में फेयरवेल का प्रोग्राम आयोजन किया गया था, जहां आयुक्त अजय वैद्य ने रिटायर हो रहे दोनों अधिकारियों को उनके काम के लिए बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की। अवैध बैनर बने भिवंडी की सुंदरता पर धब्बा। भिवंडी शहर में गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी के अवसर पर बिजली के खंभे, उड़ान पुल के पिल्लर, चौराहे और नुक्कड़ अवैध पोस्टर से भर गए। साथ ही पालिका प्रशासन की तरफ से बनाए गए शौचालय पर भी बैनर व होर्डिंग टांग दिए गए थे। प्रशासन के आला अधिकारी से लेकर चपरासी तक इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों से डरते हैं, जिसकी वजह से पालिका के अधिकारी अवैध होर्डिंग व पोस्टर पर कार्रवाई करने की बजाय अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा, राज ठाकरे सिर्फ पैसे के लिए करते हैं आंदोलन। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर पैसे सेटलमेंट के आरोप लगाया है। 1 अक्टूबर से मुंबई के टोल टैक्स बढ़ने के बाद सभी राजनीतिक नेता सरकार पर आरोप लगा रहे। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे आए दिन टोल बढ़ते दामों के और बंद करने को लेकर आंदोलन करते थे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि राज ठाकरे सिर्फ पैसों के लिए आंदोलन करते हैं। नालासोपारा पुलिस ने 5 चोरी के मामले हल करते हुए एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार, जब्त की 4 बाइक। गणपति विसर्जन के मौके पर एक शख्स की बाइक चोरी की कंप्लेंट नालासोपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने 27 वर्षीय सलाउद्दीन उर्फ सल्ला हदीस खान को गिरफ्तार किया। इसके पास से 4 बाइक और पेट्रोल पंप की ऑफिस से चुराए हुए 2,15,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स के केस में भी फरार था। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर ने चलाया सफाई अभियान। कल 1 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भिवंडी शहर महानगर पालिका ने सफाई अभियान चलाया था और स्वच्छता अभियान को सफल बताया। लेकिन आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर अध्यक्ष मसीह इकबाल का कहना है कि भिवंडी महानगर पालिका स्वच्छता के नाम पर केवल खानापूर्ति करती है और आज भी भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। मुंबई एयरपोर्ट ने 1,63,00,000 रुपए के सोने की तस्करी करने वाली एक महिला को किया गिरफ्तार। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केनिया नैरोबी से आई सारा मोहम्मद उमर नामक 40 वर्षीय महिला यात्री को एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर सोना बरामद हुआ। AIU ने बताया कि कल 3,464 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1,63,00,000 रुपये बताई जा रही है। मुंबई कस्टम ने महिला को गिरफ्तार कर अन्य धाराओं के तहत किया मामला दर्ज।